हेलो फ्रेंड, दिस इज इंफॉर्मेशन इज द न्यू बैच जो 2023 में पास आउट होगी, उनके लिए है NPTQ, जो इस वक्त थर्ड ईयर स्टूडेंट है। एंड इनके लिए NPTQ ने एक सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किया है, सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लॉन्च किया। अगर आप उसको एलिजिबल कर जाते हैं तो आप डायरेक्ट इन्फोसिस में भी जॉब के लिए जॉब रख सकती है। मतलब उनके तीन सेशंस होंगे, इंटरव्यू सेशंस होंगे, तीन राउंड होते हैं, एक तो टेस्ट राउंड होगा, इंटरव्यू होगा, HR राउंड होगा। अगर तीनों चीज़ अब क्लियर हो जाती है देन यू कैन एलिजिबल फॉर डायरेक्ट इन्फोसिस, डायरेक्ट अप्लाई कर, डायरेक्ट आपको इन्फोसिस की तरफ से कॉल आ जाएगा। सो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में, info.khazana.com पर। ये इन्फॉर्मेशन मेरी साइट पर भी पूरी अवेलेबल मिलेगी, आप वहाँ पर भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप पूरे वीडियो में बने रहिए और अंत में वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, जो फ्रेशर बैच है 2023 के NPTQ की, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, क्या क्या किस टाइप का सिलेबस होगा, ये सब की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आर यू 2023 पास आउट, want to join Infosys? The good news for you, Infosys has finally announced the NPTQ certificate exam for batch 2023 this year. This is the best way to get job in Infosys. This article will cover everything you need to know about it. तो यहाँ पर हर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो रिलेटेड होगी। What is the Infosys NPTQ certification exam? NPTQ certificate exam is a certification exam by Infosys that you have the opportunity to get job into Infosys as well as certify from Infosys and become Infosys certified software programmer. This examination process for Infosys certification will test your knowledge in programming and database. So, ये 2023 बैच के लिए है जो अभी थर्ड ईयर में है, वो इससे आपको क्या होगा, ये सर्टिफिकेशन करने से अपना नॉलेज की इंफॉर्मेशन, नॉलेज कहाँ पे है, मतलब किस कौन सी पोजीशन पे है ना, आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप उसकी तैयारी करते हैं। तो टू गेट प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज, आपको प्री प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी यहाँ पे, इट इज़ टोटली फ्री रहेगी आप लोगों के लिए, मतलब इसमें कोई आपको पैसा नहीं लग रहा है, कोई चार्जेस नहीं लग रहे, एग्जाम में कोई चार्जेस नहीं लग रहे आपको यहाँ पे। NPTQ सर्टिफिकेशन एग्जाम इज फॉर द BTEC, MTEC, MCA, MCM इन द थर्ड ईयर, ईयर सिक्स सेमेस्टर इफ यू आर द ग्रेजुएट्स नेक्स्ट ईयर, उनके लिए है। So there is a total three round Infosys review. So let's discuss one by one. There is no eligibility criteria for 10th and 12th 60% because CBSE certification exam है, इसलिए यहाँ पे कोई 10th और 12th 60% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्लियर है यहाँ पे। तो आप लोग भी दे सकते हैं, इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। NPTQ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम फॉर 2023 बैच फ्रेशर्स, देयर इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर दोज स्टूडेंट हु वांट टू जॉइन NPTQ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। दिस इज प्लेटफॉर्म फॉर दोज हैविंग क्वालिफिकेशन इन वेरियस कोर्सेस, BTEC, MTEC, BE, ME, MSc एंड MCA, MCM. It has long NPTQ portals, not only for the passing out student, but also to encourage the final year student. Infosys has provided off-campus drive for the student through NPTQ certification program 2023 batch. NPTQ certification program is a simple test to test knowledge in programming database. So, yahan pe saaf saaf hai ki aap apni knowledge ko, aapke knowledge ka test ho through programming and database ke basis pe, theek hai na? To ye ek good opportunity hai जो 2023 बैच में पास आउट होंगे उनके लिए, कि अगर उनको प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो ये एग्ज़ाम जरूर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनको हर टाइप की सर्टिफिकेशन, मतलब एग्ज़ाम मिलने का पूरी तैयारी मिलेगी, क्या सिलेबस उसका रिकॉर्ड करना होगा, उसके एग्ज़ाम होगी और उससे रिलेटेड आपको पूरी जानकारियाँ यहाँ मिल जाएगी, ठीक है ना। NPTQ 2023 ओवरव्यूज, मतलब क्या क्या है, नेम ऑफ कंपनी इन्फोसिस, NPTQ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डेजिग्नेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर, डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर, तीन रोल यहाँ पे। 26 नवंबर से ये स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, अब सिर्फ लास्ट डेट बची है, टू बी अनाउंस अभी नहीं हुई, रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। ईयर ऑफ पासिंग 2023 बैच, क्वालिफिकेशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आपको, IT जॉब्स हैं। एग्जामिनेशन डेट जो होगा 6 to 9 February होगी, जो जावा पाइथन अवेलेबल स्लॉट फॉर NPTQ इन्फोसिस ऑनलाइन होंगी एज पर IT स्टैंडर्ड और सैलरी। जॉब लोकेशन ऑल ओवर द इंडिया, मतलब कहीं भी कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट infosys.com पर यह पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट डेट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 26 नवंबर से इसका सेशन स्टार्ट हो चुका है ऑल ओवर इंडिया में, इसके एग्ज़ाम होगी 6 to 9 February 2023 में,
नेक्स्ट मंथ होगी, और जो भी एग्ज़ाम होंगे स्लॉट होगा 10 AM to 4 PM के बीच में ही आएगा, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था, बी बी टेक एम टेक एम एस सी एम सी एम स्टूडेंट ग्रेजुएट कैंडिडेट कैंडिडेट हो स्कोर 65% एंड अबो कैन अबो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, कीप इन माइंड डेट योर स्कोर विल बी वैलिड फॉर नेक्स्ट टू ईयर। अगर आप 65% से ज़्यादा ले आते हैं तो ये आपको 2 साल के लिए एलिजिबल लगा एक एग्जाम में, ठीक है। देर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड यू आर 2023 पास आउट, मतलब यहाँ एज रिस्ट्रिक्शन बात नहीं की, क्योंकि अगर आप 2023 में पास आउट हो रहे हो, ग्रेजुएट कर रहे हो, तो यहाँ एज की कोई बात नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ टू 3 बार आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। सिलेबस है पाइथन का, डेटाबेस का, ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस है, पॉइंटर, अरे, टाइम्स एंड स्पेस, सर्चिंग, सॉर्टिंग, हिस्ट्री, बाइनरी, ग्राफ, हीप्स, ऑल ये सब चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको और एड होगी, जो सिलेबस में आपको सब पूरा डिटेल सिलेबस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एग्ज़ाम जो 23 पेज के लिए है, उसमें सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 होंगे। जावा या पाइथन आप दोनों में से कोई सा भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं हैंड्स ऑन कोडिंग लिखने के लिए। 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है। सेकेंड सेक्शन में क्या होगा, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे। तीसरा क्वेश्चन डीबीएमएस का होगा जिसमें 3 10 क्वेश्चन होंगे, वो भी एमसीक्यूज ही रहेगा। हैंड्स ऑन जो क्वेश्चन होंगे स्पेशली ध्यान रखना केस स्टडी होगी, आपको उसके रिलेटेड कोई प्रोग्रामिंग डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। तो एक लंबी प्रोसेस होगी, इसमें 1 से 1.5 घंटा भी आपको दिया जाएगा। टाइम ड्यूरेशन फॉर द टेस्ट इज 3 आवर होगा, ध्यान रहे। एग्जाम फॉर 3 रोल्स, सिस्टम इंजीनियर रोल्स, पावर प्रोग्राम रोल्स एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट रोल, 3 रोल हैं यहाँ पे, जिसकी ऑलरेडी सैलरी बताई 3.6 LPA होगा, 5 लाख पर एनम होगा, 8 लाख पर एनम्स होंगे, ठीक है ना। 2 क्राइटेरिया, 2 एग्जामिनेशन राउंड्स होंगे, सर्टिफिकेशन राउंड होगा, 1 एडवांस राउंड होगा। अगर आप सर्टिफिकेशन राउंड में पास हो जाते हैं, और अगर इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर एडवांस राउंड, तो क्या होगा कि आप वहाँ के उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर नहीं भी होते हो तो आपको 3.6 मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए इंटरव्यू के लिए आपको प्री इंटरव्यू देना कि आप पात्रता मिल जाएगी। अगर आप एडवांस के लिए हो जाते हैं तो वहाँ भी वापस 3 पेपर होंगे, वहाँ भी क्वेश्चन, वहाँ भी पेपर होंगे 3 आवर्स के, क्वेश्चन 1 का 50 मार्क्स, क्वेश्चन 2 का 70 मार्क्स एंड क्वेश्चन 3 का 100 मार्क्स, इस तरह से कुछ चलेंगे वहाँ पे। ये क्वेश्चन होंगे 3 घंटे में वो कम्प्लीट करना, 225 मार्क्स का होगा टोटल। इफ़ यू फेल द टेक द एडवांस राउंड तो यू गेट फॉर एलिजिबल फॉर इंटरव्यू सेशन फॉर 3.6 LPA के लिए होगा, ठीक है। तो ये आपके 2 राउंड रहेंगे। अगर आप, अगर ज़रूरी नहीं है एडवांस राउंड देना, ज़रूरी नहीं है, इट इज़ ऑप्शनल फॉर यू, अगर देना चाहते हो दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। अप्लीकेशन फॉर Infinity 23, तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसके लिए मैंने लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, लॉगिन की लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी मैंने यहाँ पे। सो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कैसे आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी पूरी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी दूंगा, कि किस तरह से हमको रजिस्ट्रेशन करना है, क्या क्राइटेरिया का, और वहाँ पे और भी क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, इसकी डिटेल मैं आपको जरूर दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो आपको जमा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।